जी तो दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया बताया है अमेज़ॉन का। अब हम आपको कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। और आज हम आपको कीवर्ड सर्च का तरीका बताएंगे, यानी कि कीवर्ड सर्च किस तरह से करना है। प्रोडक्ट की कीवर्ड के बारे में सर्चिंग हम सिखा रहे हैं आपको। इसके बाद इसके लिए हम हीलियम 10 में लेफ़्ट तरफ कीवर्ड सर्च में क्लिक करके एसिन देते हैं। एसिन का तो आपको पता ही होगा, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, और वो हमें सारे प्रोडक्ट की लिस्ट बनाकर भेज देता है अमेज़ॉन की। अगर हम ये लिस्ट कि क्लाइंट को भेज देते हैं बनाकर एक्सेल में, तो इसके भी वो हमें $200 से $300 तक पे कर देता है। ये भी हंटिंग का क्राइटेरिया है और अर्निंग का क्राइटेरिया है। आप कर सकते हैं, अगर हम अमेज़ॉन में एक प्रोडक्ट का सही कीवर्ड और देते हैं और उसे सर्च करते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम नीचे 48 प्रोडक्ट को सर्च करके दिखाता है। ये अब हम इन 48 में से हमने ये देखना होता है कि आया हमने अपना कीवर्ड सही भी दिया है कि नहीं। इसके लिए हम हीलियम 10 में जाकर कीवर्ड प्रोडक्ट सर्च को खोलते हैं और इसमें अमेज़ॉन से कॉपी किया हुआ एसिन देते हैं और पहले टैब पर सर्च करते हैं, तो नीचे इसकी सारी तफसील खुल जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमने प्रोडक्ट को हंटिंग करनी है और उसका क्या क्राइटेरिया। आप कीवर्ड की भी समझ आ गई होगी कि हमने कीवर्ड को हीलियम 10 में किस तरह से चेक करना है। ठीक है जी, अगर समझ ना आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और शेयर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। नेक्स्ट हम चलते हैं, पैसे अमेज़ॉन के आए हुए हमें फ़ौरन निकलवा लेने चाहिए, वरना अगर आपकी प्रोडक्ट बार बार वापस रिटर्न हो रही हो और FBA वो कर रहा हो, तो अमेज़ॉन आपके सारे के सारे पैसे रख लेता है। अगर आपकी प्रोडक्ट रिटर्न हो रही है तो आप उससे पहले जो है पैसे अपने फ़ौरन निकलवा लिया करें, या किसी भी मसला की वजह से आपकी तरफ से कोई गलती आ रही हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और आपके पैसे आपको नहीं मिलते। तो इसलिए ये हमारे उस्तादों का कहना है कि आपको अमेज़ॉन की अर्निंग से फ़ौरन पैसे अपने निकलवा लेने चाहिए। आपको करेक्टर के हिसाब से अमेज़ॉन में पैसे मिलते हैं, यानी अमेज़ॉन आपको कीवर्ड जो आप यूज़ करते हैं उसमें जितने भी करेक्टर और वर्ड्स और लाइंस इस्तेमाल होती हैं उन्हीं के मुताबिक पे करता है। इसका लिंक तफसील मालूम करने का हमारे उस्तादों ने शेयर किया हुआ है हमारे साथ, हम भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। वो है www.practicempip.org/tools/count/words/characters/lines/। ठीक है, मज़ीद इस को हम आपको साथ आगे चल के शेयर करेंगे। फीवर में जाकर आप देख लिखते हैं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, तो वो आपको सर्च करके दे देता है और आपको इस में अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के बनकर काम कर सकते हैं। वरना अभी अमेज़ॉन ने पाकिस्तान में तो अपना अकाउंट जो है वो लॉन्च करना या इसकी ऑप्शन देना शुरू कर दी है, तो आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं अमेज़ॉन पे। आप सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर, अगर ये ना भी हो, बंद हो अमेज़ॉन पाकिस्तान में, तो भी आप अपना अकाउंट अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का फीवर के ऊपर बनाकर काम कर सकते हैं। आप सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर और दूसरे काम करके इसमें अपना काम कर सकते हैं, यानी कि हंटिंग, सर्चिंग जिसे हम कहते हैं, सोर्सिंग और लॉन्चिंग, ये तीन काम करके फिर भी आप काम कर सकते हैं। अगर अमेज़ॉन पाकिस्तान में बंद भी हो फिर भी आप अर्निंग कर सकते हैं अमेज़ॉन में पैसे, जहां आप काम सिर्फ आप ने बैंक में जाकर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा कर निकलवा लेने होते हैं। जिस तरह यूट्यूब पर कमाए हुए पैसे बैंक से निकलवाते हैं ID देकर, वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए वगैरह से। सर ने जो आज वेबसाइट्स शेयर की हैं वो कोई टूल या कुछ और नहीं, बल्कि इनके ज़रिए हमने प्रोडक्ट्स को सर्च करना है, यानी मिलती हैं।
और ये मैंने आपके साथ प्रोडक्ट्स की सर्चिंग की वेबसाइट्स शेयर की हैं पहले भी, ऐसे pax.com है, अलीबाबा है वगैरह, तो इससे हम प्रोडक्ट्स को हर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू, उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।